हेलो गाइस, तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है इसमें हमें देखा है यूनिफॉर्म रोड ऑफ मास कैपिटल एम पुल्ड बाय फोर्स कैपिटल एफ ऑन अ स्मूथ सरफेस द वैल्यू ऑफ अ टेंशन टी इन द रोड वरीज विद डिस्टेंस एक्स फ्रॉम द फोर्स एंड इज अकॉर्डिंग टू द ग्राफ। और यहाँ पे गाइस हमें एक डायग्राम दे रखा है और यहाँ पे हमें चार ग्राफ दे रखे हैं। तो गाइस जो सबसे पहला हमारा टारगेट होगा, टारगेट नहीं गाइस, मैं उससे पहले आपको एक चीज़ समझाना चाहता हूँ जो कि यहाँ हमें सोचने लायक, क्योंकि यहाँ यहाँ इस डायग्राम को देख के हम पता लगा सकते हैं कि हमारा ना इस क्वेश्चन के लिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्योंकि गाइस अगर आप यहाँ पे स्टार्टिंग में ही एक पार्टिकल की लेयर को इमेजिन करें तो गाइस इन पार्टिकल की लेयर्स को ज़्यादा फोर्स चाहिए होगी ना, जो इसके पीछे पार्टिकल है उनको खींचने के लिए और उन्हें एक्सेलरेशन प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, जो यहाँ पे पार्टिकल है, मैं इस वाले पॉइंट को मान लेता हूँ फर्स्ट पॉइंट, यानी कि जो फर्स्ट पॉइंट पे पार्टिकल है उनको ज़्यादा फोर्स चाहिए होगी जो इसके पीछे पार्टिकल है उनको एक्सेलरेशन प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, अब गाइस हम मान लेते हैं कि यहाँ पे एक पार्टिकल की लेयर है, इन पे भी एक टेंशन लग रही है, लेकिन मुझे पता है कि वो जो टेंशन होगी वो इस वाले एफ से या इस ये जो पहला पार्टिकल है, पार्टिकल की लेयर है, इससे कम ही लगेगी, क्योंकि इस वाली लेयर के पार्टिकल हैं इन्हें कम मास को खींचना है। और अगर कम मास को खींचना है और कम टेंशन लग रही है तो भी ये सेम एक्सीलरेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, यानी कि जितना एक्सीलरेशन ये प्रोवाइड कर रहे हैं ना उतना ही अपने जो पीछे वाले पार्टिकल है उनको ये एक्सीलरेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, और गाइस इस वाले पॉइंट पे मान लेते हैं, ये थर्ड पॉइंट है, इस वाले पॉइंट पे जो लेयर होगी पार्टिकल्स की उन्हें और कम मास को कम खींचना है, मतलब जो थर्ड लेयर पे पार्टिकल होंगे उनको जो मास खींचना है उसकी जो वैल्यू है कम है। तो अगर इनके पास कम टेंशन भी होगी तब भी तो ये सेम एक्सीलरेशन प्रोवाइड कर सकते हैं ना, जितना एक्सीलरेशन ये सेकेंड वाले पॉइंट के पार्टिकल प्रोवाइड कर रहे हैं और फर्स्ट वाले पॉइंट के पार्टिकल प्रोवाइड कर रहे हैं। और गाइस जो ये फोर्थ वाला पॉइंट है जो कि एकदम एंड में है, इनके पीछे कोई पार्टिकल नहीं है, तो अगर इन पे टेंशन जीरो भी होगी तो भी कुछ नहीं होगा, ये इन्हें खींचना नहीं, ये तो खींचेंगे उल्टा। इसलिए गाइस अब आप मुझे ना बता सकते हैं कि कौन सा ग्राफ इस क्वेश्चन के लिए सही होगा। तो गाइस आप देख सकते हैं कि जो हमारा पहला ही ग्राफ है इसमें जो टेंशन है वो ना डिस्टेंस के साथ इंक्रीज हो रही है, यानी कि लेंथ के साथ ना इंक्रीज नहीं हो रही गाइस, लेंथ के साथ ना डिक्रीज हो रही है उसके लिए गाइस सॉरी। तो गाइस आप ग्राफ को देख के कह सकते हैं ना कि जो टेंशन है वो डिस्टेंस के साथ डिक्रीज हो रही है, और हमने अभी देखा कि जो टेंशन है वो डिस्टेंस के साथ डिक्रीज हो रही है या लेंथ के साथ डिक्रीज हो रही है। जैसे जैसे रोड की लेंथ बढ़ रही है वैसे वैसे टेंशन की जो वैल्यू है वो डिक्रीज हो रही है। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन के लिए जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, लेकिन गाइस अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व भी करेंगे और इक्वेशन के थ्रू देखेंगे कि कैसे हमारा ये जो ऑप्शन ऑप्शन नंबर वन में ग्राफ दे रखा है ना वो आएगा। तो गाइस इसको सॉल्व करने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने क्या किया कि जो ये रोड है मैंने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। ठीक है, तो मैंने एक पार्ट को नंबर दे दिया फर्स्ट और दूसरे को दे दिया सेकेंड। ठीक है गाइस, और हमें ये भी पता है कि अगर सेकेंड वाले पार्ट की लेंथ एक्स है तो ऑटोमेटिकली जो फर्स्ट वाला पार्ट होगा इसकी लेंथ हो जाएगी एल माइनस एक्स। ठीक है गाइस, क्योंकि टोटल लेंथ रोड की हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखी है। ठीक है, तो हमें पता लगेगा कि जो फर्स्ट पार्ट है उसकी जो लेंथ होगी वो होगी एल माइनस एक्स। ठीक है, अब गाइस हमें ना हर पार्ट का ना मास चाहिए, तो उसे फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे कि जो इस रोड है ना इसका हम मास पर यूनिट लेंथ फाइंड आउट करेंगे। तो गाइस उसे फाइंड आउट करने के लिए मैं क्या करूँगा कि जो हमें क्वेश्चन है इसमें हमें कैपिटल एम दे रखा है जो कि है रोड का मास, और हमें रोड की लेंथ भी दे रखी है, तो मैं यहाँ से मास पर यूनिट लेंथ निकाल लूँगा। तो जो आएगा वो आएगा मेरा एम बाय एल। ठीक है, ये आएगा हमारी मास पर यूनिट लेंथ। अब हमें मास पर यूनिट लेंथ भी मिल चुकी है, हमें हर पार्ट की लेंथ भी पता है कितनी है, तो इससे अब हम हर पार्ट का ना मास निकाल सकते हैं। तो आइए अब हम हर पार्ट का मास निकालेंगे। तो जो फर्स्ट वाला पार्ट है उसका जो मास आएगा वो आएगा m बाय l इंटू ब्रैकेट में l माइनस एक्स और ब्रैकेट क्लोज, और जो सेकेंड वाला पार्ट है उसका जो मास आएगा वो आएगा m बाय l x। ठीक है, अब क्या होगा गाइस,
अब हमने कहा एक और चीज़ कंसिडर करनी है कि मान लीजिए ये दोनों वाले पार्ट है ना, ये फर्स्ट पार्ट हो गया और ये सेकंड पार्ट हो गया, इसको मैंने एक आइडियल स्ट्रिंग से कनेक्ट कर दिया है। ठीक है ठीक है, तो ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है, और ये जो फर्स्ट सेकंड पार्ट है इस पे इस तरफ एफ फोर्स लग रही है। ठीक है गाइस, तो गाइस अगर ये एफ फोर्स लग रही है तो इस वाली स्ट्रिंग में कुछ टेंशन होगी, ठीक है, जो कि फर्स्ट वाले पार्ट को खींचेगी। और गाइस हम जानते हैं कि अगर इस वाले पार्ट पे, फर्स्ट वाले पार्ट पे टेंशन इस वाली डायरेक्शन में लग रही है, राइट साइड की डायरेक्शन में लग रही है, तो जो सेकेंड वाला पार्ट है उस पर जो सेम टेंशन ये लेफ्ट हैंड साइड लगेगी है ना गैस, तो ये भी टी ही होगी। तो गैस अब हमारा जो टारगेट होगा वो होगा कि जो ये पहला वाला पार्ट है इसका हमें एक्सीलरेशन फाइंड आउट करना है। और गैस यहाँ पे हमें एक और चीज़ याद रखनी है कि जो ये पूरी रोड है ये है यूनिफॉर्म, यानी कि जो इस रोड के हर पार्टिकल का एक्सीलरेशन होगा ना वो सेम होगा, चाहे वो पार्टिकल यहाँ पे हो, चाहे वो यहाँ पे हो, चाहे वो यहाँ पे हो, चाहे वो यहाँ पे हो, हर पार्टिकल का एक्सीलरेशन सेम होगा। ठीक है गाइस, तो गाइस अब हमें पता लग गया कि जो हमारा फर्स्ट पार्ट है उस पर जो फोर्स लग रही है वो टी लग रही है, तो उससे गाइस मैं A1 अपना जो फर्स्ट पार्ट है उसका मैं एक्सीलरेशन निकाल सकता हूँ, जिसको मैंने यहाँ पे ले रखा है A1। ठीक है, तो यहाँ से जो हमारा A1 एक्सीलरेशन आ रहा है वो आ रहा है टी बाय एम अपॉन में एल इंटू एल माइनस एक्स, ये हमारा फर्स्ट वाले पार्ट का एक्सीलरेशन आ रहा है। अब हमारा जो सेकेंड वाला पार्ट है उसका जो एक्सीलरेशन आएगा वो आएगा एफ माइनस टी, और यहाँ पे गाइस मैंने एफ माइनस टी क्यों लिखा है उसका भी एक रीज़न है कि मुझे पता है कि फोर्स तो गाइस राइट हैंड साइड की डायरेक्शन में लग रही है ना, तो यानी कि जो हमारी ये रोड है ये राइट हैंड साइड की डायरेक्शन में मूव करेगी। अगर ये राइट हैंड साइड की डायरेक्शन में मूव करेगी इसका मतलब हुआ कि जो ये फोर्स है ये ग्रेटर देन है टेंशन, तो इसीलिए मैंने फोर्स को पहले लिखा है फिर माइनस टी कर रहा है, फिर मैंने माइनस टी करा है। ठीक है, तो गाइस हमारा न्यूमरेटर में आ जाएगा एफ माइनस टी अपॉन में एम बाय एल इंटू एक्स, और गाइस हमें पता है कि जो एक्सीलरेशन है दोनों पार्ट्स का वो सेम होगा। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया A1 इजिकल टू A2, A1 की जगह मैंने यहाँ लिख दिया है टी अपॉन में एम बाय एल इंटू एल माइनस एक्स इजिकल टू, A2 की जगह हमने पुट कर रखा है एफ माइनस टी अपॉन में एम बाई एल एक्स। ठीक है गाइस, अब जब ये ब्रैकेट खुलेगा तो ये एल से एल कट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारा एम, और एम बाई एल एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो हमारा आएगा एम बाई एल इंटू एक्स। अब क्या होगा कि ये एम बाई एल है ना गाइस, ये एम बाई एल है इंटू एक्स है, ये हमारे इस वाले टी से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये हमारा ये एफ माइनस टी से मल्टीप्लाई होगा। तो मैंने यहाँ पे गाइस कर दिया मल्टीप्लाई, आप देख सकते हैं हमारा ये आ रहा है। अब गाइस क्या होगा कि जो हमारा एफ माइनस टी है जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा और ब्रैकेट खुलेगा तो जो हमारी इक्वेशन आएगी होगी एफ एम माइनस एफ इंटू एम बाई एल इंटू एक्स माइनस टी एम प्लस टी इंटू एम बाई एल इंटू एक्स। और गाइस आप देख सकते हैं कि जो हमारा टी इंटू एम बाई एल इंटू एक्स है ये इस वाले टी इंटू एम बाई एल इंटू एक्स से कट जाएगा, और जो हमारा माइनस टी एम है ये हमारा जब लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ पे हमारा आएगा एफ एम माइनस एफ इंटू एम बाई एल इंटू एक्स। ठीक है गाइज, और गाइज जब ये हमारा एम इधर जाएगा तो ये इन दोनों से डिवाइड हो जाएगा, तो एम बाई एम वन हो जाएगा, एम डिवाइड बाई एम वन होगा। ठीक है गाइज, तो यहाँ पे हमारा जो टी आएगा वो आएगा यहाँ पे गाइज एक्स होगा। ठीक है, याद रखना है टी इज इक्वल टू एफ माइनस एफ बाई एल इंटू एक्स। ठीक है, अब जो ये अबो इक्वेशन है ये वाली इक्वेशन जो हमने कैलकुलेट किया इसको अब हम कंपेयर करेंगे स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन से, तो उसमें गाइस क्या होगा कि जो हमारा टी होगा वो हमारा वाई के इक्वल होगा, एफ हमारा इंटरसेप्ट के इक्वल होगा, एफ बाई एल स्लोप के इक्वल होगा, सॉरी गाइस एफ बाई एल नहीं माइनस एफ बाई एल, क्योंकि हमारा स्लोप नेगेटिव में है। ठीक है, और हमारा जो कैपिटल एक्स है गाइस, कैपिटल एक्स स्मॉल एक्स ही है गाइस, जो हमारा स्मॉल एक्स है वो एक्स के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप इस वाली इक्वेशन को देख के बता सकते हैं कि जो हमारा ग्राफ आएगा वो ऐसा आएगा। ठीक है गाइस, तो गाइस इस हिसाब से इस क्वेश्चन के लिए जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। और गाइस अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछेगा। थैंक यू गाइस।